कोटा थर्मल परिसर में कर्मचारियों ने अध्यक्ष शिवपाल चौधरी की अगुवाई में सैकड़ों कर्मचारी मुख्य अभियंता कार्यालय निगम और थर्मल प्रशासन की कर्मचारी विरोध नीतियों के खिलाफ मुर्देबाद के नारे लगाते हुए कार्यालय का घेराव किया तथा जमकर 29 मिनट तक नारेबाजी की। कर्मचारियों की जिद थी कि कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्य अभियंता से मिलें, लेकिन मुख्य अभियंता मिलना नहीं चाहते थे। कुनाड़ी पुलिस CISF के जवानों ने अध्यक्ष शिवपाल चौधरी महामंत्री इकबाल हुसैन के बीच काफी देर धक्का मुक्की चली। अंत में मुख्य अभियंता कालीचरण कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग के लिए राजी हुए। यह मीटिंग 1 बजे से 2:30 बजे तक चली। एक बयान में महामंत्री इकबाल हुसैन पठान ने बताया कि जिन मुद्दों पर निगम ने तथा स्थानीय मुद्दों पर थर्मल प्रशासन ने हामी भरी, उनको लटकाने से कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। थर्मल स्तर की मांगों की पूर्व में हुई मीटिंग में मिनट्स में दर्ज कामों को पूरा करवाने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बच्चों के मांगलिक कार्यों के लिए क्लब आउट करने जैसी मांगे शामिल है। इसी दौरान जयपुर के निर्देश तकनीकी निदेशक वित्त का फोन आया। स्पीकर पर कर्मचारियों से वादा किया, 15 दिन में ओवरटाइम भुगतान व मुख्यमंत्री महोदय के छापड़ा दौरे के बाद WTD होगी, उसमें आपके अधिकांश मुद्दे हल करवाने का वादा किया। मुख्य अभियंता ने संबंधित सभी आला अधिकारियों को मीटिंग में तलब कर कर्मचारियों की मांगों को जल्द निपटाने की बात कही। वहीं इसी दौरान अतिरिक्त मुख्य अभियंता DP वर्मा, VK गोलानी, संयुक्त निदेश हेमंत मदान सहित पूरा प्रशासन, पुलिस के आला अधिकारी, CISF के जवान, अधिकारी कर्मचारी नेताओं में TP मिश्रा, अशोक पवार, नरेंद्र प्रजापत, CL वर्मा, रमेश मीणा, अशोक चौधरी, देवकी वैष्णव, रामवीर शर्मा सहित सैकड़ों कर्मचारी कार्यकारिणी के पद अधिकारी मौजूद रहे। मुर्दाबाद।